Friends, a wonderful morning to you all. Today I am here on the stage to say a few words with you. Students, as you know, your annual exam has been scheduled from 23rd of Feb, and I hope your preparation is going well, very well. And I think most probably you all have set up a target, a goal, how much result you have to obtain in your exam. And I want to tell you that if you want to achieve that goal, whatever you have set in your mind, you have to leave your comfort zone and laziness. Your comfort zone. Comfort zone means sleeping, lot of time, using social media unnecessarily, using mobiles unnecessarily. These are your comfort zone, and these are the traits to achieve your goals. So if you want, whatever you have goal set up, you have to leave your comfort zone and laziness. As it is quoted in Sanskrit sloka, alasasya hi manushyanam sarirastho maharipu. Arthat, manushka jo alasya hai, wahi uske sarir, uske jeevan ka bahut bada satru hai. Aisa mein kaha gaya hai. To aapko apna alasya और अपना जो कंफर्ट जोन है, मोबाइल का लगातार यूज करना जो जरूरी नहीं है, सोशल मीडिया पर अननेसेसरी एक्टिव रहना, ये सब कंफर्ट जोन में आते हैं. इनको त्याग करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. इस चीज को का महत्व बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी हिंदी की काल्पनिक कहानी बताना चाहूंगा. ये कहानी है एक मूर्तिकार की और उसके द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों के बारे में, और उसकी तुलना है यहाँ पर विद्यालय में न्यूली एडमिटेड दो विद्यार्थियों के लिए. एक बार की बात है, कुछ लोगों ने मंदिर बनवाया और मंदिर बनवाने के बाद सोचा कि मंदिर में एक अच्छी सी मूर्ति लगनी चाहिए, और उन्होंने इसके लिए एक बहुत अच्छे मूर्तिकार के पास जाने का फैसला किया, और वो जाकर के मूर्तिकार को एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाने का ऑर्डर दे दिया. मूर्तिकार जंगल में जाता है, वहां से दो पत्थर लेकर के आता है. दो पत्थर लेकर के आया और अपना काम शुरू करता है. जैसे ही काम शुरू किया तो पहले पत्थर को जब उसने अपनी छीनी हथौड़ी मारना शुरू किया, तो पत्थर बोला, स्टॉप इट, इट इज पेनिंग, ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है, स्टॉप करो, मैं अच्छी मूर्ति नहीं बनना चाहता. तो मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मूर्ति नहीं बनाऊंगा, उस साइड में. फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और वही काम शुरू किया, अपनी छीनी हथौड़ी लेकर के और काम शुरू कर देता है. और उससे ही पूछा, इज इट पेनिंग, बोला यस इट इज पेनिंग बट कीप कंटिन्यू. और वो दर्द को सहता रहा और अंत में एक बहुत अच्छी सी मूर्ति उससे बनी. अब जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो आए और उसको ले जाने लगे. जब मूर्ति को लेकर के चले तो बगल में वो भी पत्थर पड़ा था, तो उन्होंने कहा मूर्तिकार से, क्या इसको भी हम लोग ले जा सकते हैं? तो उसने कहा, क्यों नहीं, अभी तो मेरे किसी काम का नहीं है. और उसे लेकर के उसको भी और मूर्ति को भी लेकर के चले जाते हैं. जब ले गए मंदिर में, मूर्ति को एकदम अच्छे जगह पर उसको बैठाया गया, उसको सजा कर रखा गया, और उसकी पूजा होती थी. जब मंदिर में मूर्ति बैठ गई, उसकी पूजा होती, लेकिन जो पत्थर दर्द नहीं सहन कर पाया था, वही बगल में द्वार पर रखा था. जब लोग आते
तो मंदिर में बने हुए पत्थर की पूजा करते और जो पत्थर सामने पड़ा था उस पे रोज नारियल फोड़ते। जो भी आता उस पे एक नारियल फोड़ता हटाक से जय बजरंगबली ऐसा बोल करके। तब ये पत्थर दर्द से कराता तो पत्थर ने पूछा, मुझे इतना दर्द क्यों? तो जो पत्थर मूर्ति बन चुका था बोलता है कि पहले दर्द सह लेता तो आज ये दर्द न सहन करना पड़ता। पहले दर्द नहीं सहा इसलिए दर्द सहन करना पड़ रहा है। सो इस स्टोरी का मोरल ये है कि अगर आज आप अपना कंफर्ट जोन त्याग करके करते हैं तो आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, या आज आराम कर लेंगे तो आपके अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आपका जो ये कंफर्ट जोन है उसको थोड़ा सा एग्जाम तक आप त्याग करेंगे और अच्छी सफलता के लिए अच्छा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।